चुनाव का जमाना जब आता है तो अलग अलग रैलियां निकलती हैं, कहीं रथ यात्रा होती है, कहीं साइकिल यात्रा होती है, और रामपुर में शायद ये दोनों ही यात्राएं जो हैं वो होने वाली हैं। रथ यात्रा भी होगी और साइकिल रैली भी होगी। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूँ आपके साथ यासर मसरूर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली खान शानू को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है, यानी कि 6 महीने के लिए उनको जिला रामपुर से बाहर भेज दिया गया है, यानी कि 6 महीने तक शानू जो है अब रामपुर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो रामपुर की सर्दों में दिखते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसी कार्रवाई को लेकर आजम खान अपना विरोध जता रहे हैं, और आजम खान ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि आजम खान साइकिल रैली निकालेंगे, और साइकिल रैली वो सीधे लखनऊ तक निकालेंगे, लखनऊ जाके जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। फजाहत अली खान शानू को 6 महीने के लिए जरबदर किए जाने के खिलाफ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे आजम खान। आजम खान ने बताया कि सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत रामपुर से होगी। सपा सांसद आजम खान के साथ ही उनके कई करीबियों पर जो है वो मुकदमे दर्ज हैं, और इसी में से एक थे फजाहत अली खान शानू, जिन पर जो है गुंडा एक्ट लगाया गया, और गुंडा एक्ट लगाने के तहत जो है उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई कि वो 6 महीने के लिए जो है जिला बदर रहेंगे, रामपुर में शानू खां की एंट्री जो है वो बंद रहेगी, यानी कि उनके लिए रामपुर की एंट्री जो है वो नो एंट्री है, और अगर वो रामपुर में देखे गए सर्दों में तो उन पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। हम आपको बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खां पर जहां कई मामले दर्ज हैं, कई मामलों में FIR हुई है, वहीं उनके मीडिया प्रभारी शानू को भी कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ डांगरपुर बस्ती में मकान खाली कराने के साथ ही कई मुकदमे जो हैं विभिन्न थानों में दर्ज हैं, और इसी के चलते जो है पुलिस ने या रामपुर के प्रशासन ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि शानू खां को जो है जिला बदर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आजम खां की साइकिल जो है वो कितने दूर तक जाती है, और आजम खां का ये विरोध क्या रंग लाता है, क्या ये विरोध जो है वो रामपुर ज़िले से निकल कर स्टेट तक पहुंच पाएगा, प्रदेश तक पहुंच पाएगा, या प्रदेश से निकलकर नेशनल लेवल पे पहुंचेगा, देश के किन किन कोनों में सपा कार्यकर्ता जो है ये अपनी मुहिम चलाएंगे, ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। वाकई छोटी बड़ी न्यूज के लिए आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जल्द आपके साथ होगी मुलाकात। जय हिंद।